अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कीमा पैटिस। ये मैंने चार आलू उबाल के उनको ग्रेट कर लिया था। उसमें हाफ कप कॉर्नफ्लोर, नमक टेस्ट के हिसाब से और चिली फ्लेक्स वन टीस्पून चाट मसाला, और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से। डो की तरह इसको गूंध लेंगे, एकदम सॉफ्ट बना लेंगे इसको डो की तरह। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब हम अंदर की जो फिलिंग है कीमे की वो बना लेंगे। 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है, उसमें कीमा डाला है मैंने। ये बकरे का मटन का कीमा है, उसका पानी पूरा ड्रेन कर लिया था मैंने अच्छी तरह से। और इसको ऑयल में डाल के 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। से 3 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल में, इसका कलर चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाएगा। कीमा जो होता है पूरा जुड़ा हुआ होता है, तो उसको इस तरह से अलग कर करके हम फ्राई करेंगे। कलर हमारे कीमे का चेंज हो गया है। अब इसमें मैं अनियन डाल रही हूँ, मीडियम साइज का अनियन लिया है मैंने, उसको स्लाइस कर दिया है मैंने और कीमे में डाल दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 2 टेबलस्पून, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे। जैसे ही कीमा पानी छोड़ देगा तो इसमें हमने हल्दी डाल दी है 1 टीस्पून, गरम मसाला डाला है 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं 1/2 टीस्पून, और देखिए कीमा पानी छोड़ रहा है हमारा। और ये 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसकी लिड को कवर करके इसको कुक होने देंगे हम लो फ्लेम पे। 1/2 घंटा हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे लिड कवर करके। देखिए 1/2 घंटे बाद हमारा कीमा अच्छी तरह से पक चुका है, और उसमें मैंने 1/2 कप डाले हैं फ्रोजन मटर, आप चाहे तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और 5 मिनट के लिए फिर से इसको कवर कर लेंगे, कुक होने देंगे, क्योंकि जो हमारे मटर हैं हमने अभी डाले उसको हल्का सा हमको पकाना है मटर को। देखिए हमारा कीमा जो है अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि हमारे मटर जो है वो हल्के से पक जाए। और मटर हमारे पक गए हैं, पानी पूरा हमने कीमे का सुखा लिया है, कीमा पूरा ड्राई कर लिया है मैंने। और हमारी फिलिंग जो है प्लेट में हमने निकाल ली थी, और ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है फिलिंग हमारी। अब इसमें 1/2 नींबू निचोड़ देंगे। अनियन लिया है मीडियम साइज का, उसको बारीक चॉप किया है, कोरिएंडर और 1 हरी मिर्ची, इन सारी चीज़ों को हमने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए मैं हाथ अपने ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, और ये जो आलू का मिक्सचर है इसको मैंने हाथ में लिया है, एक पोर्शन लिया है मैंने आलू का, जो हमारी रोटी का पेड़े का साइज होता है वही साइज़ का मैंने मिक्सचर लिया है, और उसको ऑयल लगा लगा के इस तरह से मैं फैला लूँगी ताकि उसमें जगह बन जाए फिलिंग डालने की। और फिलिंग डाल रही हूँ मैं 1
टेबलस्पून और थोड़ी सी और डाल रही हूँ, 1.5 टेबलस्पून फिलिंग डाल दी है मैंने। और इसको इस तरह से अंदर अंगूठे से प्रेस कर करके फिलिंग को अंदर डाल के कवर कर देंगे आलू के मिक्सचर से, और इसको पैटी का शेप दे देंगे, राउंड शेप, अच्छी तरह से नीट कर लेंगे इसको। अगर कहीं से कुछ गैप है तो उसको भी कवर कर लेंगे इस तरह से। और अब इसको रवे में हम कवर कर देंगे। ये मैंने बारीक रवा लिया है, जो लड्डू का रवा आता है एकदम बारीक वाला, बस इसको कवर कर लेंगे। और ये रेडी हो गया हमारा पैटी फ्राई होने के लिए। इसी तरह से सारे पैटीज मैं बना लूँगी। और ये देखिए, नॉनस्टिक पैन में मैंने ऑयल डाला है गरम करने के लिए, और उसमें पैटीज डाल दिए हैं। और आप देख सकते हैं जो पैटीज है वो कहीं से भी खुले नहीं हैं और टूटे नहीं हैं, एकदम परफेक्ट फ्राई हुए हैं और हर तरफ से ये कवर्ड है। बस 5-10 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए हर तरफ से। और हमारे जो पैटीज है वो रेडी हो गए हैं फ्राई होके। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और कहीं से भी खुले नहीं हैं हमारे पैटीज। बस इसी तरह से आप भी इस रेसिपी को बनाइए इस रमज़ान में, आप इसको खाएंगे तो ज़रूर मुझे याद करेंगे। देखिए मैंने इसको बीच में से कट करके आपको दिखाया है, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ये। और जो मटर का कलर है वो भी कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन, कहीं से भी टूटते नहीं है ये पैटीज। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपी सबसे पहले दिख सके। अल्लाह हाफिज़।